नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि सेवन पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, समय सीमा में वृद्धि और वेतन निर्धारण में मिलेगा लाभ। जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को विकल्प चयन करने के समय सीमा में विस्तार किया है। जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई के छमाही की वृद्धि में देखी जाएगी, जिससे इसमें पहले 4 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, ये खबर है क्या, आपको पता होना चाहिए। पे फिक्सेशन का जो मामला जो था कि 30 जून को पे फिक्सिंग करना है, इंक्रीमेंट जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का आप कब फिक्स करते हैं, 30 जून को करेंगे या 31 दिसंबर से करेंगे, कब से होगा, इसके लिए आपको इसमें दोबारा से इसे 3 महीने का समय जारी कर दिया गया है। और इसमें 3 महीने के अंदर आप अपने ऑफिस में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आप अपने ऑफिस में जाकर इसको इस बात को सीरियसली लें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल आपका फायदा हो सकता है। और जिन लोगों ने पहले से फिलअप किया है, हो सके कहीं मिस्टेक हुआ हो, उसको भी दोबारा सुधारने का मौका मिल गया है। तो दोस्तों, इसका लेटर भी जारी हुआ है, जैसा कि आप लेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए लेटर जारी हुआ न्यू दिल्ली, डेटेड 4/7/2023 के, मतलब 4/7/2023 से अब तक आगे 3 महीने के लिए, मैंने 4 अक्टूबर तक की अपडेट ऑफ फिक्सेशन का रूल, आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट का रूल आप तय कर सकते हैं और अपने ऑफिस से इसे फिलअप करा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 जुलाई 2023 का ये लेटर जारी हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम है और वहीं पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल 10 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज पेंशन रूल 2016 इस प्रकार से ये जारी हुआ है। द अंडर साइन द डायरेक्शन ऑफ इनवाइट अटेंशन टू दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ इवेंट ऑफ डेटेड 28/11/2019 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड एबव इन पैरा 7 ऑफ द सेड ऑफिस मेमोरेंडम 28/11/2023 द एम्प्लॉय हु हैव बीन रेगुलरली प्रमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन और आफ्टर 1/1/2016 एंड डिजायर द एक्सरसाइज री एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ द पे फिक्सेशन अंडर रूल FR 22(1)(a)(1) वेयर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज और री एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ द सेट ऑफ रिमेंड डेट 28/11/2019। वहीं पे दोस्तों इसमें दिया है, therefore the another opportunity of exercise and re-exercise the option of pay fixation as allowance under office memorandum dated 28/11/2019 was provided for the period of 3 month wide MOU office memorandum of event date number, यानी आप फिर से ये 3 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया हो और इस प्रकार से ये लेटर जारी करके। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये लेटर दोबारा निकल चुका है, आप ये मौका अपने हाथ से गंवाने ना दें। जो भी आपके दोस्त हो, कोई भी हो, आप उसे बताएं कि पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन फॉर्म था वो फिर से दोबारा लागू हो गया और 4 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट है। आज 4 जुलाई से लेकर 4 अक्टूबर यानी 3 महीने का समय आपको दिया गया है। 3 महीने के अंदर दोबारा आप पे फिक्सेशन के ले सकते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से आपका फाइनेंशियल फायदा होगा और फाइनेंशियल प्रॉफिट में आप रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।